परासिया मध्य प्रदेश से रिपोर्ट सुनी कहा वही निकालकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पिछला दिन तहसील कार्यालय के सामने हुआ पिछला दिन कांग्रेस को भाजपा में शामिल महाराजा को दिया विभीषण नाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के परासिया में आज सिंधिया का पिछला दिन कर कांग्रेस ने विरोध किया। आज परासिया में ब्लॉक कांग्रेस महिला कांग्रेस सहित के द्वारा हमारे जेल मध्य प्रदेश के गद्दार सिंधिया जी का पुतला दहन किया गया है। हमारी कमलनाथ जी की सरकार बहुत शानदार चल रही थी, परंतु कुछ विभीषणों के द्वारा हमारे सरकार को डिस्टर्ब किया गया है। इसके लिए हमने आज सिंधिया जी का सेवा दल और कांग्रेस परिवार के माध्यम से आज उनका पुतला दहन किया है और उनको सद्बुद्धि दे भगवान, क्योंकि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ने उनको विभीषण घोषित कर दिया कल मीडिया के समक्ष। हम भी आज उनको विभीषण घोषित करते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने के लिए तुले थे। आज मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देके वो आज बीजेपी का सफर वोट में चले गए हैं, उसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस परिवार आदरणीय कमलनाथ जी के साथ है और साथ में रहेगा। जय जय।